ओ भाई कितने भारी हैं यार, निकाल। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हो, काफी टाइम से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा गाइस, और मैं बना भी नहीं रहता क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। क्योंकि दिल्ली में जिस टाइम था मैं, तो आपको पता है कहीं जाने इसके लिए यार टाइम निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम। फाइनली गाइस पता है क्या है, हम आ चुके हैं अपने घर और आज घर पर ब्लॉग शूट करेंगे और दिखाते हैं यार। क्या कह रही हो, पागल हो तुम? शोर मजा निकली, पागल हो? सो गाइस ये हमारी छोटी सी गुड़िया है, गुड़िया रानी, इसका नाम है शेजल। तो ये चाचू की परी है। कौन है चाचू की परी? चाचू परी, सबको हाय करो। हाय हाय। तो आज करते हैं भाई शुरुआत अपने ब्लॉग की, अपने घर पर गाइस। तो घर पर बहुत एंजॉय करने वाले हैं गाइस और दिखाते हैं आपको भी। चलो शेजल ऊपर चलते। भाई साहब छत पे कितनी धूप है, देखो भाई बहुत धूप पड़ रही है। ये झंडा किसने लगाया भाई? बजरंग बली का। जय श्री राम। भाई बहुत सो रहा है और देख रहे धूप कितनी तेज है। क्या कह रही है तुम, कपड़े डाल रही हो? जी हाँ, अच्छा मौसम अच्छा हो रहा है। सही है भाई, डालो डालो कपड़े। और ये देखो हमारी छोटी बहन पागल थी, क्या सिल के आ रही है, देखियो क्या कर रही है। चल भाई हाय कर दे, हाय कर दे। देख रहे भाई बहुत तेज हवा भी चल रही है और काफी ठंडा भी है और धूप बहुत तेज है गाइस, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा तेज धूप है। शोर हो रहा है क्या ना, बराबर में रामायण हो रही है इसलिए सुना नहीं पा रहा गाइस, यहाँ पर नीचे ही चलते हैं। तो फाइनली गाइस देख रहे हो ऊपर कितना यार बहुत तेज धूप थी, तो हम नीचे आ चुके हैं गाइस और करते हैं चलो कुछ आज। अच्छा ऐसा करें, पहले यहाँ सेट करते हैं बूफर। गाइस अभी मैं दिल्ली से लेकर आया, दिल्ली से बूफर लेकर आया तो काफी अच्छे हैं, आपको साउंड सुनाऊंगा थोड़ा। पहले सेट करता हूँ मैं, क्योंकि अब सिस्टर की शादी, तो शादी में मैं दिल्ली से यहाँ पर आ चुका हूँ गाइस, तो काम में लग गए हम लोग, हम अब सारा काम ही करना है। तो फाइनली गाइस करते हैं, तो सेट बनाते हैं। पहले क्या करते हैं पता है, ऐसे करते हैं कृष्णा उधर, हम बूफर यहाँ रखते हैं ठीक है, क्योंकि अभी स्पेस भी कहीं भी रख देंगे। गाइस मैं बूफर लेकर आया था, काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है उसकी, तो मैं आपको दिखाऊंगा और अभी साउंड उसको सुनाते हैं। तो लेकर आते हैं चलो ठीक है, उसको खोलते हैं चलो। तो गाइस ये देखो हमारे बूफर वो रखे हुए हैं, अब इसको हम उतार दें गाइस, क्योंकि मैंने इसलिए रख दिया था क्योंकि यार पता है अगर मैं नीचे छोड़ देता ना खोला, तो ये बच्चे सारा बजा बजा कर उसका सिस्टम खराब कर देते। अब मैं आ गया हूँ तो अपने सिस्टम से चलाऊंगा, तो इसको लेके चलते हैं, उतारते हैं और दिखाते हैं। सो गाइस हम लेकर आ गए इधर, ये देखो। ए तेरे को नहीं दिखा रहा हूँ हटिया से। तो गाइस ये हमारा बूफर देखो, DHT डिस्कवरी का है गाइस, बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है, थोड़ा कॉस्टली तो है लेकिन ये देखो बेस क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो गाइस एक बेस है और एक साउंड सिस्टम है, तो दोनों बजते हैं बहुत अच्छे हैं। तो इसकी हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, तो अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको, चलो ग्रो। कितने भारी हैं यार, निकाल। ओ भाई ये यार बेस, और बेस पता है कितनी भारी होती है यार, रोक दे। ये देखो गाइस ये बेस, इसका सारा हैंड कवर ये दिया है, हैंड कवर मत चला गाइस, इसको बजाकर दिखाते हैं। फाइनली गाइस ये देखो तुम्हारे भाई ने अनबॉक्सिंग कर दी है गाइस, और साउंड सिस्टम सुनाता हूँ, ये देखो आप थोड़ा पास को आओ, दिखाओ ये देखो। देख रहे हो गाइस इतना साउंड है ना, बहुत ज्यादा यार गाइस, बहुत अच्छा है। मतलब ये है पार्टी के हिसाब से, अपने बर्थडे पार्टी जो भी है सब कुछ के लिए बहुत अच्छा है गाइस। तो फिलहाल मैंने देख लिया और साथ में दिया इसके माइक, यार दिखाओ तो माइक दो, जल्दी दो चाचू को माइक दो, तभी तो अच्छा लगेगा। साउंड सिस्टम सुनाते हैं ये देखो। हेलो गाइस, भाई साहब देख रहे हो, हेलो गाइस, हेलो भाई, कितना अच्छा सिस्टम है यार, इससे पूरा एंजॉय कर सकते हैं हम। देखो
हालांकि थोड़ा कॉस्टली तो है लेकिन चीज बढ़िया है गाइज। तब तक थोड़ा एंजॉय करते हैं और अभी दिखाते हैं आपको, बने रहिए गाइज। इतने बच्चे डांस करना शुरू कर दिया भाई, जब इसका साउंड बजता नहीं है तो ऑटोमेटिक अपना पैर उठना शुरू हो जाता है खुद ही यार। तो इसको मैंने साउंड सिस्टम वगैरह सब सेट कर दिया गाइस, और लैपटॉप से तो बजाने के साथ भाई ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद इतना अच्छा साउंड दे रहा है ना, बहुत बेस्ट क्वालिटी दे रहा है। तो सब ये इक्वलाइजर वगैरह इसके सामने सब है, वॉल्यूम कंट्रोल गाइस। तो ऑडियो लीड मैंने लगा रखी है, सब कुछ सिस्टम अब ओके हो चुका है गाइस। तो फाइनली गाइस अच्छा लग रहा है ना, ये दिल्ली से लेके आया गाइस मैं, तो दिल्ली से खुद चल के लेके आया, फाइनली मेरे दोस्त ने वहां से रखवाया था गाइस। और लाते लाते गाइस इसका एक चार्ज भी देना पड़ता था इसको, जैसे मेरा टिकट लगा था इसका भी टिकट लगा गाइस। और जब लेकर आ रहा था इसको, लोग देख रहे थे, पूछे जा रहे भाई कितने का लिया तुमने, कहाँ से लिया, मैं दिला देना यार बहुत अच्छा साउंड है इसका। मैंने साउंड इससे पहले बजा कर देखा घर पर, एक बार पहले आया दिल्ली से मैं, तो इनको बजा कर पैक करके फिर रख गया गाइस। अब फाइनली मैंने सारा खोल दिया सिस्टम, बहुत अच्छा साउंड दे रहा है और बच्चे तो कूदे जा रहे हैं। तो गाइज सबसे मेन बात क्या है ना, अब मैंने साउंड लगा दिया, अब इसको साउंड सिस्टम सेट करके ना अब धीरे धीरे काम भी करते रहेंगे जो सारा काम है घर का, क्योंकि अब सिस्टर की शादी आ चुकी है 18 फरवरी की है गाइज। तो उसमें इतना यार बिजी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा। सारे रिलेटिव को तो मैंने इन्विटेशन कार्ड सबको पहुँचा दिए, भैया ने पापा ने सब ने इन्विटेशन कार्ड जगह जगह जाकर, मैं तो दिल्ली में सब जगह ले आया गाइज। तो फाइनली क्या है ना, अब फ्रेंड्स लोग रह गए हैं फ्रेंड्सों के पास निकलना पड़ेगा और जाएंगे उनके पास, तो एक बार फिर से सारे दोस्त मिलेंगे यार, बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो क्या है ना, काफ़ी टाइम हो चुका है और मिले भी नहीं है फ्रेंड लोगों से, तो मिलना तो बनता है गाइस। और जब हम जाएंगे तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने वाली हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात ये है यार, सबसे बड़ी बात क्या है पता है क्या, सुनो। तो सबसे बड़ी गाइस ये बात है कि इस बार हम अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं गाइस, यानी टीचर से। क्या है ना, काफ़ी टाइम हो गया गाइस यार टीचर से मिल नहीं पाए गाइस। तो टीचर से मिलने का मतलब समझ लो भगवान से मिलना यार, उनको बहुत अच्छा मानता हूँ गुरुओं को मैं यार। और मिलकर आऊँगा अपने गुरु से यार, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यार, जब से 12th किया है 3-4-5 साल हो गए करीब, उनसे मिलना कुछ नहीं हो पाया गाइस। तो बहुत अच्छा लगेगा गाइस और अच्छा भी दिखेगा। सबसे बड़ी बात गाइज ये है, लोग यार मिलने चलने वाले टाउन में अपने बहुत प्रेमी मिल रहे थे गाइज, तो भाईचारा बहुत अच्छा खासा है अपना भी। तो लोग मेरे से कह रहे हैं यार तुम्हारा ब्लॉग इस टाइम तो आ रहा था लेकिन अब रुक चुका है गाइज, क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार क्या है ना, थोड़ा बिजी हो गया था। फाइनली अब गाइज मैं डेली तो अभी फिलहाल नहीं डाल सकता, लेकिन कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मेरा ब्लॉग आए और आप सबका मनोरंजन हो गाइज। आप ऐसी बने रहिए, आपका बहुत प्यार मिलता है गाइज यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिग ब्रो। सबसे बड़ी बात क्या है, कल मैं टाउन में घूम रहा था तो लोग अपन को मिलने मिलने वाले यार, गले लगा रहे भाई को, हेलो हाई कर रहे हैं, तो इतना अच्छा फील हो रहा था भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा, सभी बहुत मस्त है गाइज। तो आप सभी को यार थैंक्स दिल से यार, लव यू यार गाइज। तो बने रहिए, अब नेक्स्ट टाइम देखता हूँ आपको दिखाता हूँ अपना इनविटेशन कार्ड फ्रेंड्सों में शेयर कर जाऊँगा, शेयर करने के लिए मतलब देने के लिए जाऊँगा गाइज, तो दिखाता हूँ आपको गाइज। मिलते हैं गाइज, बाय बाय। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, चैनल तो भूलना मत गाइस, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है यार, स्टार्टिंग तुम्हें पता ही कैसी होती है। ठीक है, ओके, बाय बाय।